स्मरामि गणनाथ मनाथ बन्धुं सिन्दूर पूर परिशोभि गणदयुग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन जनंद दंड मांगलाद सुर नायक वृंद वंद्यम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्तार्ति नाशिनि विरंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदे अखिल मनोरथ दे महादे विद्या प्रदानी सरस्वती नौमी नित्यम गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप भागम नारायण प्रिय मनमंगमदापारम वाराणसी प्रतिम्बजगेश्वनाथम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयम्बके गौरे नारायणी नमोस्तुते दुर्गे स्मृताहर्षि धीमशेष जन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददाशि दारिद्र्य दुःख भय भारिका पदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते उल्लंघ्य सिन्धो सलिलम् सलिलम् यह शोक वन्मुनिम् जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाहमनकाम् नमामि तं प्राञ्जलिलाञ्जनेयम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादर्नबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा प्रणामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुकृतापमनिशं मुनिहंसेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुण्यम् मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव
मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल शिव शिव बोल, राम राम बोल शिव शिव बोल, कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव वासुदेव बनवारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, केशव वासुदेव बनवारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, हरि जप इत कतहु न डो, मुकुंद माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल गोपाल बोल, गोविंद बोल गोपाल बोल, केशव माधव हरि हरि, केशव माधव केशव माधव हरि हरि बोल, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन हर हनुमान की जय, श्री दुर्गा माता की जय, शिव भागवत महापुराण की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, बोलिए भक्त
भगवान की जय। समागत ब्रह्म स्वरूप भगवत कथानुरागी श्रद्धा सनातन धर्मी श्रोतागणों, श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, परीक्षित रूप में विराजमान श्री वाजपेयी जी, क्या शुभ नाम श्री श्याम मनोहर श्याम किशोर जी वाजपेयी शपथ में विराजमान, हनुमान जी भाव भाव उपस्थित, समस्त देवता समस्त धाम समस्त तीर्थ इस पावन परिसर में विराजमान हो रहे हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रार्थोदारार्थाश्रयाः। गंगा सरस्वती पुण्य भद्रा द्राक्षा कावेरी पंच महानद हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्री रंग क्षेत्र बंद बंद काशकाम राम राम वरम वरम अयोध्या कांची वृंदावन प्रयागराज सभी धाम विराजमान हैं। सभी देवता देवी विराजमान हैं और हनुमान महाराज के भाव भाव उपस्थित हैं। निगम गम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादानर द्रवर्षयुतम पिबत भागवतम रसमालयम यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद चारों वेद भगवान मुख से प्रकट हुए हैं और ये कल्प वृक्ष के समान है। निगम कल्प तरोर गलितम तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महामहिमा गलितम पका हुआ फल है ना छिलका है ना गुठली है रस ही रस है। शुकमुखा अमृत द्रव्य संयुतम श्री श्री देव जी महाराज इसमें हमने ही भर दिया। जब से सुखदेव जी ने वाणी का प्रयोग किया वाणी से भागवत का वर्णन किया तो इसमें हमने भर गया। वैसे भी सरस था सुखदेव देव जी द्वारा वारा वर्णन ही अमृत भर गया अमृत द्रवश्वशुतम अमृत से परिपूर्ण हो गया भागवत महामहिमा पिबत भागवतम भगवत शब्द की खसखस भक्ति का एक वचन है भागवत। ये भगवान का स्वरूप है तेने मां मां नीति प्रत्यक्षम प्रतते हरि हरि ये श्रीमद् भागवत श्री हरि का श्री कृष्ण का साक्षात वाङ्मय श्री विग्रह है। भगवान कृष्ण का स्वरूप है भगवान कृष्ण का श्री विग्रह है भागवत महामहिमा और रसमालयम ये रस का भवन है रसो वैशा वेद ने कहा रसो वैशा लहलान गाने भगवती सैशानन श्रीमान सा रस वैवायम रस रस पति आनंदो विभोर बजाना भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद नमन करंदर का राशि राशि दस समूह यहाँ घनी घनी हो गया है। ऐसा भागवत पान करें रसमालय रस का भवन है रस का शिशु है मुरहो निरंतर पान करें रसिका का जो भगवत चरणार मकरंद के रसिक हैं मधुकर सरी 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 गुण ग्राही हैं ऐसे भगवत भागवत का पान पान के दैहिक दैहिक भौतिक तापों से मुक्त हो जाता है। ये भागवत कथा था तापों से मुक्त कर कर ये त्रिता ताप को पीड़ित कर रहे हैं तो संसार के पाप तापों से बचाने वाली कथा है भक्ति और मोक्ष देने वाली कथा है। निरंतर जो सेवन करते हैं पान पान करते हैं वो भगवत सानिध्य प्राप्त करते हैं। ऐसा पावन भागवत महापुराण श्रवण करें जय जय श्री राधा रमण
जय श्री नवलशो जय गोपी चित्तोर प्रभु जय जय माखन शो सब द्वार को छाड़के सदा सुख सिद्धि की सह दया के धाम जननी जनक मयंक के हे प्रभु सीता धन धन भूमि यहाँ धन है जहाँ साधु सत्संग धन्य क्षेत्र यहाँ धन है जहाँ हरि कथा प्रसंग कथा श्रवण हित आये तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान भगवत वेद व्यास के पग बारंबार मनाय श्रीमद् भागवत वर्णन कथन हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय भागवत भगवान मानुष्य का ही साक्षात विग्रह है और लक्ष्मीबाद में कौन सा वास्तुत्सव है ये दसवां वास्तुत्सव है लक्ष्मी नारायण की सेवा समिति के तत्वावधान में ये दसवां वास्तुत्सव का पावन भाव पुष्प भगवान राधा कृष्ण के लक्ष्मी नारायण के चरणों में समर्पित हो रहा है भगवान साक्षात उपस्थिति है तो भगवान मान कृष्ण वंदना व्यास भगवान मान रहे हैं सच्चिदानंद रूपाये विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय नाशाय श्री कृष्णाय नमः सच्चिदानंद भगवान वेद व्यास ने भगवान का नाम रखा सच्चिदानंद सच्चिदानंद बड़ा प्यारा नाम है इसमें तीन शब्द हैं सत धन चित धन दानंद बराबर सच्चिदानंद जो सत्य है और सत्यम ब्रह्म अनंतम वेद ने कहा सत्य ही ब्रह्म है सत्यम परम ब्रह्म भागवत में वर्णन है दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय का 26वां श्लोक है सत्य व्रतम सत्य परम ऋषयम सत्यस्य योनि नीतम सत्य सत्यस्य सत्यम यत्र सत्य नेत्रम सत्यात्मकम मम शरणं प्रपन्नाः जिनका व्रत सत्य है सत्य व्रतम जिनका व्रत सत्य है सत्य का व्रत जिन्होंने लिया जिनके जीवन में मिथ्यात्मक कतई स्थान नहीं है ऐसे हैं भगवान सत्य परम परम वो परम सत्य परम परम सत्य परम परम त्रिशरीषयम तीनों काल में सत्य हैं भूतकाल में वर्तमान में भविष्य में एक समय ऐसा था जब सृष्टि नहीं थी केवल भगवान थे केवल नारायण ही थे सृष्टि नहीं थी शेषैया भगवान शयन कर रहे थे उस समय भी वो सत्य अब जब सृष्टि है अनलोक है तब भी वो सत्य है
और एक समय ऐसा होगा जब सृष्टि नहीं होगी, केवल ब्रह्म होंगे, उस समय भी वो सब सत्य, त्रिकाल सत्य, सत्यस्य योनि, उस सत्य के योनि आदि बीज हैं, निहितम च सत्य, सत्य में उनका निवास है, सत्यस्य सत्यम, उस सत्य के भी सत्य, सत्य को भी सत्यापित करते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप सब सब चित चित चिन में परम प्रकाश अविनाशी अक्षर गुणातीत गुणदात भयातीत मन 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 से अगम अगोचर अनुभव गम्य अखंड अद्वैत आनंद स्वरूप आनंद आनंद ब्रह्म का वाचक है, जो आनंद स्वरूप है, आनंद कभी कभीता नहीं बढ़ता है, आनंद से ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से परमानंद, तो परमानंद चिंचिंती मधुरु मधुरिता, परमानंद परमात्मा का स्वरूप है, तो सच्चिदानंद स्वरूप जो है, जो सच्चिदानंद है, जो विश्व की उत्पत्ति के आदि कारण है, अनंतानंद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कितने हैं गिन नहीं सकता, भगवान के एक रोया में करोड़ ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, तल 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 शाशा महात्म पाताल लोक वर लोक स्वर्ग लोक महर महर जन जन तप लोक सत्य लोक, तो ऐसे अनंतानंद लोक अनंत सृष्टि 84 लक्ष योनियों की रचना भगवान ने की, वेद में कहा सत कामे बहु प्रजा जाय, उन्होंने कामना की वो पूर्ण है, उनमें कामना है नहीं, कामना रहितम वो कामना से रहित है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् इदम् उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, वो पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकल जाने पर भी पूर्ण है, फिर भी उन्होंने कामना की विश्व कल्याण के लिए, सात कामना बहुत प्रजा बहुत प्रजा की सृष्टि करूंगा, एको हम वो हम श्याम, मैं एक हूँ बहुत बनूंगा और अनंत सृष्टि की रचना कर दी, 84 लक्ष योनियां बना दी, पिपीलिका से अस्थि पर्यंत 84 लक्ष योनियों की रचना के कारण है, जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापरेणाशाय उन अग्नि जगत के नियंता सर्वाध्यक्ष नारायण की हम वंदना करते हैं, क्यों करते हैं, बोले ताप प्रेरणाशाय, पहली तो पीड़ा मनुष्य की यही है कि त्रितापों ने उसे त्रस्त किया, देखिए धुआं त्रस्त कर रहा है, इसको हटाओ हटाओ परीक्षित जी, ये धुआं न जलाया, ये धुआं हटाओ हटाओ, तो बताया त्रितापों ने मनुष्य को त्रस्त किया, वो त्रिताप कौन है, दैहिक दैविक भौताप देह की पीड़ा, ये सभी को है, किसी को कम है किसी को अधिक है, देह के रोग मन के रोग शारीरिक रोग और मानसिक रोग सभी को पीड़ित है मनुष्य, अब लोग ऋषि याद याद है दैहिक पीड़ा देह की पीड़ा, दैव भी आप बताएं ध्यान से सुन और संसार की बाधाएं, ये तीनों मनुष्य को व्याप्या करते हैं, ऐसा कोई है नहीं जिसे तीनों ताप न हो, किसी को कम है किसी को अधिक, अभी त्रिताप संसार में नष्ट नहीं किए जा सकते, कोई संसार के व्यक्ति नहीं नष्ट नहीं कर सकता, पद धन प्रतिष्ठा वैभव ईश्वर भगवान भी त्रिताप से त्रसित हैं, कौन कौन करेगा, व्यास जी ने उपाय उपाय बता दिया, ताप प्रेरणाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री जी की वंदना करना चाहता हूं। श्री कृष्ण शब्द आया, ये श्री कृष्ण में अकेले कृष्ण नहीं है, श्री सहित कृष्ण। श्री जी कौन है? श्री राधा, राधा भव बाधा हरि है, मेरी भव बाधा राधा जागर सोए, जानकी की झाई पर श्याम हरि तुलसी हो। राधा जी सब बाधा आने वाली है, इसलिए श्री कृष्ण के पहले राधा का चिंतन हुआ, राधा जी की वंदना हुई। आदि शिक्षक सावतारणी त्रिमाक्षी कुणाकुण का परा योग माया भगवती उद्भव इष्ट संहार कारिणी क्लेश हर हर सर्व श्रेष्ठ भगवती श्री राधा मूल प्रकृति योग माया जो है ऐसी परम्बा भगवती श्री राधा। भक्ति भक्ति राधिका देते हैं, रास कहते ही संसार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और धा कहते ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। राधा कृष्ण भगवान मोक्ष देते हैं, साई साई देते हैं, अपना सानिध्य देते हैं। तो त्रितापता के समानार्थ हम राधा कृष्ण का ध्यान करते हैं। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। आगे परम पूजनीय भगवान वेदव्यास ने परम आचार्य के पुत्र सुखदेव देव की वंदना की है। एम एम प्रत्यम द्वैपायनो विरह पुत्रे तन में तया सर्वभूतहृदयम् मुनिमान तोष्मि। बड़ा प्यारा श्लोक सुखदेव जी की वंदना है। एम परम परम एम सुखदेव प्रब्रजतम प्रकृष्टेन ब्रजनजनतम परिपर्याजयत्वा ब्रजनजनतम अनुपेतम अपेतकृतम अपेतकृतम जातं संस्कारं अनुकृतम नालच्छेदनं कृतम मातायाः दुपानम् अपिनकृतम यज्ञोपवीतम् अनुकृतम वेदाध्ययनं विद्याध्ययनं अनुकृतम। कोई भी संस्कार नहीं करने हुआ। बारह वर्ष माँ के गर्भ में रहे माँ पिंगला देवी भगवान वेदव्यास गर्भवती माता पिंगला देवी के गर्भ में बारह वर्ष रहे और जन्म जन्म के नाला नहीं कटा और शब्द या नाला छेदन का नाला छेदन का और तपस्या करने के लिए बीतरा परिप्राजाज होकर वन की ओर चल पड़े। यम प्रब्रजन जन्म से निकल पड़े। संस्कार कोई भी संस्कार नाला से जा रहा है। ओहो ऐसे योगी वेद व्यास भगवान है, उन्होंने देखा मेरा जन्मा और नाला से नहीं छेड़ हुआ और जा रहा है तपस्या करने ने पुत्र वो नहीं हो पाए। भगवान व्यास पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, करुणा से द्रवित हो गए। द्विपाय व्यास भगवान का नाम द्विपाय है। इसको दोनों और जमुना का जल जल और बीच में द्वीप है, यमुना के बीच में रेती
उसी यमुना की रेती में इनका जन्म हुआ। माता का नाम सरस्वती है और पिता है महाराज पराशर ऋषि। तो ऐसे माता सरस्वती और पराशर ऋषि से संपन्न हुए हैं यमुना द्वीप में, इसलिए इनका नाम है द्वैपायन। रंग के काले इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास, वेदों का विस्तार किया इसलिए इनका नाम है वेद व्यास। व्यास माने विस्तार। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारा रंगाया पत्र नेत्र एन त्वया भारतैल पूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ऐसे वेद व्यास, व्यासोऽष्टम जगत् सर्वम्। व्यास जैसे जो उच्छिष्ट है वो संसार के कवियों में पाया। ऐसे महाराज महर्षि व्यास, उन्होंने देखा मेरा पुत्र शुकदेव वन में तपस्या करने जा रहा, तो द्वैपायन विरह कातर आज हुआ। पुत्र मोह में विरह से कातर मन विवल हो गए। आज हुआ मन चिल्ला पड़े जोर जोर से, क्या चिल्ला पड़े, पुत्रे पुत्रे। हाँ पुत्र वापस लौटाओ, पुत्र वापस लौटाओ, तन में तैयार दो बिने। बड़े बड़े बोल हो गए। सुखदेव देव जी बोले नहीं। अब सुखदेव देव की ओर से वृक्ष ही बोल पड़े, क्योंकि सर्व हृदय में सुखदेव देव समस्त प्राणी मात्र की अंतरात्मा है, समस्त प्राणी मात्र के हृदय हैं। देखिए सब में एक ही आत्मा है, एक ही नारायण की आत्मा है, ईश्वर तो एक है। वेद ने कहा एक देव सर्वभूतेषु मूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वो एक ब्रह्म समस्त प्राणी आत्मा है। आत्मा में एक ही ब्रह्म है, वही नारायण की आत्मा सब में है, इसलिए सब में एक आत्मा है, सब में एक ही नारायण बैठा है। गोस्वामी जी कहते हैं उमा जी राम चरण रत विगत काम मंत्रोरोध निज प्रभु में देखहि जगत केहि शंकर निरोध। भागवत कहते हैं, मानस कहते हैं सब में एक ही ब्रह्म है, तो विरोध कैसा। नाना प्रकार के कलिकाल में बड़े बड़े विरोध हैं। तामस अधिक रजोगुण थोरा कलि प्रभाव विरोध चौचौरा। दल बल्बी के बड़े बड़े दल है। तुम्हारा कहते हैं जब सब में भगवान का दर्शन करें, आप तो सर्व सबसे श्री आप आपसे प्रीति सब में ही नहीं ब्रह्म को देख देख तो फिर विरोध होगा ही नहीं। सुखदेव देव देखते हैं सब में ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म सब में है, मेरी अंतरात्मा सब में है। तम सर्वभूत हृदयम प्राण प्राण की जो अंतरात्मा है मुनि मुनि सुनि। ऐसे मुनि सुखदेव जा रहे हैं, सुखदेव जी बोले नहीं, लेकिन वृक्षों ने शुभ रूप धारण किया और वो जो वृक्ष है वो भी चेतन है, सब में भी भगवान की आत्मा है। वृक्ष जड़ नहीं है, वृक्ष चेतन है। तो वृक्ष बोल पड़े, क्या बोले, बड़े ध्यान से सुनिए। सुखो हम हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव हैं। सुखो हम सुखो हम सुखो हम सुखो हम हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव। अरे व्यास जी ये मायातीत पुरुष हैं, माया को जीत चुके हैं, माया से पार हो चुके हैं। ये संसारिकता में वापस लौटने वाले वाली हैं। तम सर्वभूत हृदयम विश्वात्मा में एकात्मता की अनुभूति करने वाले
सुखदेव सर्व सर्व हृदय सुखदेव को प्रणाम करते हैं। प्यारे बड़ा बड़ा भाग्य मिला सुखदेव जी को प्रणाम करने के लिए। अगर सुखदेव न होते तो व्यास भगवान की भागवत का प्रसार नहीं होता, इसलिए सुखदेव की वंदना करें। बोले सुखदेव भगवान की जय। हमारे सनातन धर्म धर्म गरिमा श्रीमद् भागवत महापुराण है, वेदों उपनिषदों पुराणों और संपूर्ण शास्त्रों का सार हमारे व्यास ने भागवत में समाहित किया है। भागवत को लेने मां से समस्त तीर्थों का यज्ञों का फल प्राप्त हो रहा है। सुखदेव जी महाराज की कृपा है। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि ये गंगा पार गोमती पार नैमिषारण्य विशेष है, जहां धर्म की धुरी स्थापित हुई है। उस नैमिषारण्य में 88,000 बैठे हैं सत्संग के लिए, और इन्होंने कलयुग के आगमन को देख करके इन्होंने कहा हमारा सब समय धर्म में व्यतीत हो, भक्ति में व्यतीत हो, कलिकाल का प्रभाव हमारे ऊपर ना आने पावे, इसलिए इन्होंने 1,000 वर्ष का सत्र किया, 1,000 वर्ष का अनुष्ठान धर्म का किया, 1,000 वर्ष निरंतर धार्मिक अनुष्ठान में बैठेंगे, पुराणों की कथाएं हैं। अब यहाँ जाके 1,000 वर्ष के लिए बैठे हैं, 88,000 और यहाँ 7 दिन का समय रखा गया, तो 7 दिन का ही समय जो पूरा देने को प्रतार्थ हो जाएगा, हो जाएगा। अब 7 दिन का भी समय मेरा निरा नहीं पा रहे हैं। बोले चले चले आगे, पहला दिन है, बोले थक गए, तो बाया बाया कर से आपका में घर में घर कर कार में दिन रात दौड़ते तब नहीं थकते, और यहाँ यहाँ तो एक घंटे में ही थक गए। बोले बोले उसे सुनेंगे आप यहाँ थक थक गए। अरे परमात्मा है, कल से यात्रा की है, ये परिक्रमा है, क्योंकि भगवान को सब जगह है, जहां 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 चलते हो वही भगवान की परिक्रमा हो रही है। और तीर्थ यात्रा में कलश यात्रा में पोथी यात्रा में तो ये परिक्रमा साक्षात भगवान को प्रदान करने वाली है, प्राप्त कराने वाली है। तो नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा बैठे हैं, उनमें प्रमुख है शौनक जी। शौनक जी ने कहा महाराज ये सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में बने रहे, माता को बड़ी बड़ी वेदना हुई। और ये 12 वर्ष गर्भ में क्यों रहे, क्योंकि मनुष्य का बालक माता के उदर में 9 मास रहता है। ये कैसे हैं जो 12 वर्ष तक मां के उदर में बने रहे, कारण क्या क्या महाराज जी को थोड़ा थोड़ा प्रकार लो आश्चर्य का विषय है। तो महाराज सुख जी बोले एक बार कैलाश, एक बार कैलाश मझारी, एक बार कैलाश मझारी, शिव समाद उमा संवाद विस्तारी, शिव संवाद विस्तारी, शिव संवाद विस्तारी। कैलाश पर्वत पर एक बार अम्बा पार्वती ने भगवान शंकर से क्यों पार्वती जी ने प्रश्न किया, उसके मूल में है नारद जी। नारद जी आए देवी पार्वती, भगवान शंकर आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन क्या क्या आप उनसे पूछा था ये मुंडमाला क्यों धारण धारण करते हैं। पार्वती जी बोली हमने अभी तक तो नहीं पूछा, आज जरूर पूछेंगे। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान कोई पहनता था रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, चंदन माला,
माला तो पहननी चाहिए और माला जपनी भी चाहिए। माला जिसके गले में होती है, मस्तक पर त्रिपुंड हो, चंदन हो, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भक्तों ये चिन्ह है हमारे अवतार के, और इन चिन्हों को धारण करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। उस चीज ललाट चंदन जरूर हो, क्योंकि यहाँ ब्रह्म स्थान है। ये शोभा नहीं है, ये भगवान का पूजन है, यहाँ ब्रह्म ज्योति है। इसे चंदन सभी लोग लगाएं, इससे व्यवस्था करा करें कि सबसे चंदन लगा दे, आनंद हो। और भक्तों ये पार्वती जी ने महाराज जब माला मुंड की माला क्यों आप धारण धारण कर, तो भगवान शंकर बोले देवी अभी तक तुमने प्रश्न किया नहीं, हजारों वर्ष हो गए मरे मरे विवाह। एक बात बताओ, आश्रम में नारद जी तो नहीं आए थे? बोले आए आए। बोले बस नारद जी कर गए मंडन, वही शिखा गा गए, ठीक है दे दे। अब पूछ रही हो तो बता रहे हैं, हमारी माला में जितने भी सिर हैं सब तुम्हारे हैं। जब जब समाप्त हो जाती हो तो अतिशय प्रेम के कारण तुम्हारा कपाल सिर उठाकर माला में मोह ले। पार्वती के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बोले मेरे पास समाप्त हो गई, आप ऐसे ही नहीं मारा? बोले हाँ हाँ, अजर अमर हैं। बोले महाराज आज अजर अमर हैं, और प्रेम इतना है कि हमारे सिर माला में धारण करके हो, अभी तक हमें अमर होने की विद्या नहीं दी, अमर होने का ज्ञान नहीं बताया, अमर कथा नहीं सुनाई, विषय गूल है देवी। भगवती बोली महाराज विषय गूल है लेकिन सुनना चाहे महाराज। जब 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 जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, काशी मन क्रम वचन तुम्हारी, काशी मन क्रम वचन तुम्हारी, जज जब जो सीता यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारा, योशिता नारी अधिकारी तो नहीं मारा रहा, लेकिन हम सुनना इसलिए चाहते हैं कि माँ बाप और हमारे पास अधिकार भी है सुनने का, क्योंकि हम मन से वाणी से कर्म से आपकी दासी हैं। और जो दास होता है उससे छिपता नहीं है, वो तो समर्पित होता है। गूढ़ भक्त तत्व साधु दुरावई, साधु दुरावई, साधु दुरावली। सुनने वाला यदि आर्त भाव समर्पित होकर करुणा से भक्ति से भरकर सुन रहा हो, फिर कहने वाला के पास कुछ रखता ना, सब सब वर्णन करता। इसलिए महाराज आप हमें श्रवण कराइए। भगवान शंकर ने चार यादियां दी, सब सब पुष्प पक्षियों को दूर कर दिया, और एक एकांत में एक गुफा में वटवृक्ष के नीचे सुनाने लगे अमर कथा। था एक गुफा भी है,
उस गुफा का नाम है अमरनाथ गुफा। वहाँ अमर कथा हुई थी इसलिए उसका नाम है अमरनाथ की गुफा। वहाँ कोई नहीं था, पार्वती जी जी सुन रही हैं और भगवान शंकर सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी देवी कथा सुन रही हो तो नहीं, हम तो भाव भाव लेंद्र बंद करके कथा करेंगे। अब तुम सुन रही हो ये हम कैसे जाने, इसलिए तुम बीच बीच में ओम बोलती रहना। अब भगवान शंकर कथा करें और पार्वती जी बीच में बोले ओम। आप भी सब सब बोलो ओम ओम। अब कथा शंकर जी कहें, पार्वती जी ओम बोले, स्वीकारो करें करें अनुमोदन करें करें। अब एक वृक्ष के उत्तर में शुक का अंडा था और कथा होते समय अंडा फूट गया। शुक शाम प्रकट हो गया और इस कोई सामान्य नहीं, गोलोक धाम में भगवती श्री राधा के निकुंज के शेष थे। और एक बार भगवान कृष्ण ने अपने करकमलों में ले लेकर इसके कान में कहा, श्री राधा दे। आप भी बोलो श्री राधा जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा। तो श्री राधा दे गुरु मंत्र दे दे। तो इनकी इष्ट देवी भगवती राधा है, गुरु मंत्र श्री राधा है और गुरुदेव कृष्ण भगवान। आज भगवत प्रेरणा से इनका जन्म हुआ। शुक स्वरूप में ये प्रकट हो गए हैं और पार्वती जी को आ गई नहीं, थोड़ी भी असावधानी सीता को कथा से दूर ले जाते। अब बैठे बैठे तो दूसरे लोग चला जा, कथा यहाँ यहाँ रही है वो दूर दूर अन्य उनका घन चला गया। धोखा देकर मन दूसरा सुरक्ष लगने लगा और यदि अधिक प्रमाण हुआ तो नींद भी आ जाती, निद्रा जाते ही नहीं बुलाई हुई। अब पार्वती सुबह ध्यान से नहीं थी, जैसे कोई कोई जाग जाए परे भोर भोर और आंखें बंद करे बड़ा ध्यान ध्यान हो किसी को नींद की झपकी आ गया। कुछ लोगों को आ जाती है पूजा में भी झपकी आ जाती सवेरे, उन्होंने अपना अपना अनुभव में बताया। तो पार्वती जी को नींद आ गया। अब कथा कहीं बंद न हो जाए, कहीं बंद हो गया तो सुखदेव जी ओम बोलने लगे। ओम करते हुए पूरी कथा सुखदेव ने श्रवण की। अब कथा जब हो गई तो भगवान शंकर ने देखा पार्वती सो रही नहीं, बोली देवी तुम तो सो रही हो, ये कथा कौन सुन गया? बोले महाराज हमने यहाँ कथा सुनी थी, आगे हम बता नहीं सकते। शंकर जी ने ध्यान देखा उत्तर में बैठे शुक सुन रहे हैं, ये कथा के अधिकारी नहीं हो सकते, पक्षी हैं। अमर कथा सुन ली, अमर अमर का ध्यान उठा लिया त्रिशूल और मारने के लिए उद्यत हुए, त्रिशूल चला भी दिया। लेकिन जो कथा सुन चुका है या कथा सुन रहा है उसे भवशूल मार मार नहीं सकता। भवशूल भव माने संसार, शूल संसार के त्रिशूल दैहिक देवी भौतिक ताप उसे व्याप्त नहीं होते। जितनी देर आप कथा में बैठे हो बिल्कुल वैकुंठ में हो, आनंदमयी स्थिति होती है, दयाभास से परे परे मन मग्न हो जाता है, संसार की दुश्चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जिन जिन पिशाचारियों ने मनुष्य को बहुत पीड़ित किया है